हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे एवरेज ऑफ फाइव नंबर कि पांच नंबरों का एवरेज हम कैसे निकालें। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, करके देखते हैं प्रोग्राम को। ओके, अब आ गए हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब आप देखिए एवरेज का प्रोग्राम। सबसे पहले इसमें हमारी हेडर फाइल आती हैं। हेडर फाइल कौन सी? हैज़ इंक्लूड स्टूडेंट डॉट एच, हैज़ इंक्लूड कॉन्टेंट डॉट एच। ये दोनों फाइल बहुत, हेडर फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और कंसोल इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सब इसके अंदर आते हैं। और गैस सी एच वी एच ये आते हैं कॉन्टेंट डॉट एच के अंदर। ओके, अब आता है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का मतलब होता है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम इंट में हमने इंटीजर में हमने दिया हमें जो भी वैल्यू हमें चाहिए ए बी सी डी ई एफ कि हमें इसके इसकी ज़रूरत है। फ्लोट में हमने एवरेज दिया क्योंकि एवरेज की एवरेज का मतलब एवरेज को हमने फ्लोट में इसलिए दिया क्योंकि हमारे जो एवरेज की वैल्यू है वो पॉइंट में भी आ सकती है, डेसिमल में आ सकती है ना, तो इसलिए हमने उसे फ्लोट में दे रखा है। अब हमारा आता है सी एल आर एस सी आर, क्लियर स्क्रीन के लिए। जब हमें हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है उसे क्लियर करवाने के लिए हम सी एल आर एस सी आर का यूज़ करते हैं कि जिससे वो बिल्कुल एकदम क्लियर दिखे। हम जब भी उसमें नया आउटपुट प्रिंट करवाएं तो वो फिर उसके बाद हम दोबारा उसे आउटपुट करवाएं, प्रिंट को करवाएं, तो वो पहला वाला आउटपुट हमें उसमें वहाँ शो नहीं करे, इसलिए हम सी एल आर एस सी आर लगाते हैं। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के अंदर हमने अंदर डाला एंटर नंबर। हमें वैल्यू तो देनी पड़ेगी कोई जब हमारा एवरेज आएगा ना, इसलिए एंटर द नंबर प्रिंट एफ में जो हमारा आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाता है। स्कैन एफ जहाँ से हमारा एड्रेस लेता है, जैसे परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी फाइव बार हमने इसे लिखा क्योंकि पांच बार ही हमें एड्रेस देना है, पांच बार हमें पांच नंबर प्रिंट करवाना है। ठीक है, हमने एड्रेस लिया ए का, बी का, सी का, डी का और ई का। एंड का मतलब होता है एड्रेस लोकेट करवाता है हमारा। ओके, एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। हमने प्लस इसलिए किया क्योंकि हमें कोई एवरेज निकालना होता है, पहले टोटल करते हैं उसके बाद उसे उसके उतने ही जितने हमने लिया है पाँच से लिया है तो पाँच से उसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसका टोटल लेने के लिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इसलिए लिया। ठीक है, सम इज इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, हमने क्योंकि हमने ऊपर इंट यूज़ किया है इसलिए परसेंटाइल डी यूज़ किया है। नीचे एवरेज निकालने के लिए जो भी हमारी टोटल आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का, वो एवरेज एफ से फाइव से डिवाइड होके हमारा प्रिंट करवा देगा जो भी हमारा आंसर होगा एवरेज का, जो भी हमारा आंसर होगा। ओके, और प्रिंट एफ में हमने डाल दिया एवरेज इज इक्वल्स टू परसेंटाइल एफ, हमारा जो भी वैल्यू डिवाइड करने के बाद आ जाएगी फाइव से, वो हमारा आउटपुट स्क्रीन पे शो करवा देगा कि हमारा ये आ गया है। ओके, गैस सी एच आती है हमारी कंसोल स्क्रीन को होल्ड कर रखने के लिए। अगर हम गैस सी एच नहीं लगाते हैं तो हमारी कंसोल स्क्रीन रुकती नहीं है, मतलब एक सेकंड के लिए आएगी और चली जाएगी, आपको इतने में पढ़ा भी नहीं जाने का कि उसमें वहाँ पर लिखा क्या था। अब हम आते हैं अपनी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए, मैंने इसमें एंटर करा 1 2 3 4 5, इनका टोटल आ गया 15 और 5 से डिवाइड करने के बाद आ गया 3, इसका एवरेज आ गया 3। ओके, इसी तरीके से आप भी इसे करके देखिए, इस वाले को करके देखिए, नई नई वैल्यू करके देखिए इसके अंदर। ओके, और डिस्क्रिप्शन के अंदर यूडीमी के कोर्सेज रहते हैं, हर न्यू वीडियो के अंदर यूडीमी के फ्री कोर्सेज रहते हैं, उन्हें एनरोल ज़रूर कीजिए। ओके, और नीचे कमेंट में आपको बताइए अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे आप कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसकी नई वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।